ओम शांति। आप सदा संपूर्ण स्वस्थ रहे, मस्त रहे। आपके मस्तक पर परमात्मा के आशीर्वादों का हाथ सदा रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, हमारा जीवन एक यात्रा है, बचपन से लेकर मृत्यु तक की एक यात्रा। इस यात्रा में कई बार हमारे से कुछ मिस्टेक्स, कुछ भूले हो जाती है। कभी हमारे से किसी को दर्द मिलता है, हमारे से किसी का नुकसान हो जाता है, या फिर किसी के जीवन में दुख आने का कारण हम बनते हैं, या तो फिर कभी कोई व्यक्ति हमारे जीवन में नुकसान करने के निमित्त बन जाता है। किसी से धोखा मिलता है तो किसी से हमारे साथ कोई गलत व्यवहार हो जाता है। जो भी है, एक भूतकाल बन जाता है और हम उसको जब पकड़ कर बैठते हैं, मेरे से भूल हो गई, तो बार बार मैं एक अपने मन में गिल्ट कॉन्शियस लेकर बैठ जाती हूं। मेरे से नहीं होना चाहिए था, मैंने ऐसा क्यों किया। थोड़ा उस समय हम सोच समझ कर चलते तो गिल्ट कॉन्शियस, या फिर उस रिश्ते ने मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनके लिए नफरत या तिरस्कार की भावना। अभी जो बीत चुका सो बीत चुका। आई कैनॉट रिविजिट माई पास्ट। हम जीवन में पीछे तो नहीं जा सकते ना, लेकिन आगे तो बढ़ सकते हैं। प्लीज अपने भूतकाल को बार बार याद करना, माना बैड पास्ट को, दर्द वाले भूतकाल को बार बार याद करना, माना खुद के वर्तमान को दुखी करना। जब हम वर्तमान को दुखी करते हैं तो भविष्य भी दुखी होगा ना। एक्चुअल में मुझे करना क्या चाहिए? चलो अगर मेरे से गलती हो गई, मेरे कारण किसी का नुकसान हुआ, तो मैं दिन में 4-5 बार मन ही मन परमात्मा से और उस आत्मा से क्षमा याचना करूं। इससे मेरा मन हल्का हो जाएगा। अगर किसी ने मेरे साथ गलती की है तो मैं बड़े दिल से उन्हें माफ कर दूं, तो इससे भी मेरा मन शांत हो जाएगा, तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। ध्यान में रखना, बीता हुआ हर पल जिंदगी को समझने का अच्छा मौका है, और आने वाला हर पल जिंदगी जीने का अच्छा मौका देता है। और इसलिए आज से जो भी बीती हुई बातें हैं, जो मुझे अशांत करती है, जो बातें मुझे दुखी करती है, प्लीज उन्हें छोड़ दो, लेट गो करो, भूल जाओ, तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। जिंदगी बहुत बड़ी है, मुझे आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ना है तो इन बातों को आज से फुल स्टॉप, तभी आपके अंदर खुशी का स्टॉक भरपूर होता जाएगा, शांति का स्टॉक भरपूर होता जाएगा। तो करेंगे आज फुल स्टॉप। हैप्पी डे। ओम शांति।